आप सबों का TLSS क्लासेस में स्वागत है और इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे पहले वीडियो लेक्चर्स में कॉलम लेआउट्स के बारे में आपको समझाए थे, अब इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग कॉलम लेआउट करने के बाद हम देख सकते हैं कि एक्सकेवेशन वर्क हो चुका है ना, उसके बेसिस पर। और ये यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जाल जो है ना, इसको जाल बोलते हैं, मतलब इन्फोर्समेंट जो है फाउंडेशंस का, वो इस तरीके से लगाया गया है ना। 10 mm का इन्फोर्समेंट है ना, और स्पेसिंग 5 5 इंच कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो इन्फोर्समेंट है, ये थोड़ा बैंड किया गया है ना, डेवलपमेंट लेंथ। तो ये देख सकते हैं, ये जो दोनों साइड से जो रिइंफोर्समेंट है वो 10 mm का है, और 6 इंच मतलब 150 mm का स्पेसिंग है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये जो रिइंफोर्समेंट को नीचे जो फाउंडेशन का है, तो सबसे पहले ये बता दें कि रिइंफोर्समेंट ये लगाने से पहले यहाँ पर PCC वर्क किया गया है, सैंड फिलिंग भी किया गया है, ठीक है ना। तो ये उसके बाद सैंड फिलिंग, अर्थवर्क, जो भी कंपैक्शन सारा करके, ठीक है, उसके बाद PCC वर्क, उसके बाद ये मतलब देख सकते हैं अब ये ब्लॉक लगाया गया है यहाँ पर। ये ब्लॉक क्लियर कवर का है, मिनिमम 50 mm का होना चाहिए, ठीक है। और ये ब्लॉक देख सकते हो, काफ़ी सारे ब्लॉक्स लगे हुए हैं जो क्लियर कवर का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ मार्किंग किया जाता है कॉलम्स का, फिर उसके बेसिस पर यहाँ पर ये रखा जाता है, ठीक है। तो फाउंडेशन का जब इन्फोर्समेंट रख दिया, उसके बेसिस पर फिर कॉलम्स का जो है, ये देख सकते हैं कि 3, 3, 6 और 8 मेन बार्स है कॉलम्स का जो ऊपर गया हुआ है। तो ये अलग से बना के लाते हैं हम लोग, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ रखते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं कॉलम को जो है ना, इसमें FE550D जो ग्रेड 16 mm का रिइंफोर्समेंट मेन बार यूज़ किया गया। तो कॉलम्स को अपने पोजीशंस में रखने के लिए ये सब एक्स्ट्रा बार्स जो है उसको यूज़ किया गया है मिट्टी के अंदर सपोर्ट के रूप में, ठीक है, ताकि कॉलम्स अपने पोजीशंस में रहे। तो ये देख सकते हैं, ये जो है हमारा रिइंफोर्समेंट है कॉलम का, रिंग जिसको कहते हैं सीयर रिइंफोर्समेंट, डबल रिंग इसमें यूज़ किया गया है, ठीक है। तो आपको ये पता रहना चाहिए। ये डबल रिंग हो गया है ना, तो साइट प्रैक्टिकली जब हम लोग काम करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ इम्पोर्टेंट्स होती है, ठीक है। कॉलम लेआउट से फाउंडेशन हो गया, फाउंडेशन के बाद कॉलम का मार्किंग करते हैं हम लोग, फिर से जो सेंट्रल ग्रिड लाइन बनाकर कॉलम्स का जो मार्किंग करते हैं। ओरिएंटेशन भी कॉलम का ध्यान रखना है, कहीं कहीं कॉलम्स इधर ओरिएंटेशन होता है, कभी दूसरे साइड्स में भी ओरिएंटेशन रह सकता है, ठीक है ना। तो आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे अभी जो कॉलम का साइज है वो 10 इंच बाई 18 इंच है, इस साइड में 18 इंच आएगा, उधर 10 इंच आएगा, ठीक है। ये आपको एक साइड का व्यू दिखा दें, ये मतलब इस तरह का साइड से पहले कॉलम लेआउट के बेसिस पर एक्सकेवेशन हो गया सारा। एक्सकेवेशन के बाद फिर कॉलम का जो पोजीशन है उसको मार्किंग करेंगे, फिर उसके बेसिस पर सेंटर में या जैसा भी कॉलम्स का पोजीशन है, फिर फाउंडेशन का रिइंफोर्समेंट रखेंगे, फिर कॉलम का रिइंफोर्समेंट उसके ऊपर रखेंगे, है ना, ठीक है। तो जितने भी कॉलम्स हैं सबको पहले कॉलम और फाउंडेशन का रिइंफोर्समेंट एक साथ रखते हैं, और अप टू प्लिंथ बीम तक फिर हम लोग उसमें कंक्रीटिंग करेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये एक्सकेवेशन किया गया कॉलम लेआउट के बाद, और ये थ्रेड का यूज़ किया गया है, थ्रेड वगैरह का यूज़ करते हैं हम ग्रिड लाइन। साइट में देख सकते हैं ये रिइंफोर्समेंट का, ये जो है कटिंग मशीन है, इसके से रिइंफोर्समेंट, जैसे मान लो कि 40 फीट का बार आता है 12 मीटर का,
तो उसको जितने पीस में करने हैं उसको इस मशीन के द्वारा बार को कट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए साइट में। ठीक है, तो स्टैंडर्ड साइज बार का 39 फीट 40 फीट है ना, मीटर में अगर देखें तो 12 मीटर का आता है इस तरीके से। और फिर इसको इस मशीन के द्वारा प्रॉपर जैसा रिक्वायरमेंट है मार्किंग करके फिर उसका कटिंग किया जाता है। ठीक है ना, ये शटरिंग का है, ये सारा सामान इसमें रखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए आपको कि जैसे ये यहाँ रिइंफोर्समेंट का इस तरीके से फाउंडेशन का ये जाल बना हुआ है, फुटिंग का रिइंफोर्समेंट का है ना, तो ये जो बेंड हो रहा है ये, ठीक है, ये देख सकते हैं आप बेंड हो रहा है, जैसे 4 इंची का वो 4 इंच वाला 100 mm का ये बेंड है। ठीक है, और स्पेसिंग वही 6 इंच मतलब 150 mm का स्पेसिंग है। ठीक है, और डायो बार 10 mm का यूज़ किया गया। फिर बाइंडिंग वायर से प्रॉपर सब जगह बांधना पड़ता है। अब यहाँ देख सकते हो आप ये जो इन्फोर्समेंट है ये दो देख सकते हैं, पूरा एक 12 मीटर का बार था, उसको दो पार्ट्स में बांटा गया, एक 5 मीटर एक 7 मीटर। ठीक है, क्योंकि जब नीचे से कॉलम से जब हम लोग उठाएंगे तो एक ये देख सकते हो इस बार का जो डायमेंशन है मान लो 7 मीटर है, तो इसको यहाँ से बेंड किया गया है ना, जिसको हम लोग डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं, जो मिनिमम 300 mm मतलब कि यहाँ 380 mm प्रोवाइड किया गया है, और दूसरा जो है एक 7 मीटर का एक 5 मीटर का। ठीक है, टोटल बार को दो पीस में डिवाइड कर दिए। ध्यान रखना पड़ता है कि वेस्टेज कम से कम हो है ना, उस हिसाब से हम लोग बार का कटिंग करते हैं 12 मीटर को, और जो कोड का गाइडलाइंस है उसको भी ध्यान रखते हैं कि हमारा जो लैप लेंथ है वो कॉलम के मिड सेक्शंस में आए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ एक सिंपल सिस्टम बनाया गया है ना। साइट में क्या होता है कि जैसे बार को बेंड करना है, जैसे फाउंडेशन का रिइंफोर्समेंट है उसको बेंड करना है ना, डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करना है, फिर कॉलम के रिइंफोर्समेंट को नीचे से फिर बेंड करते हैं। ठीक है ना, तो ये बेंड करने का ये सिस्टम है, रिंग बनाना है ना, तो ये छोटा सा डिवाइस है और इसके मदद से देख सकते हैं कि वर्कर जो है बार को बेंड करने का काम करते हैं, रिंग बनाने का काम करते हैं, और डेवलपमेंट लेंथ जो चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं ना। तो रिंग का काम होता है, बार बेंडिंग का काम होता है, ये सारा यहाँ पर। पहले क्या करते हैं वो लोग मार्क कर लेते हैं, जैसे कि मान लो कि 4 इंच का बेंड करना है तो 4 इंच मार्क कर लिए, उसके बाद फिर बेंड करते हैं। ठीक है, ऐसे बनता है आपको है ना, सारा पहले से बनाते हैं और फिर वहाँ ले जाते हैं, मतलब जो उसके बाद वहाँ रखते हैं। देख सकते हैं ये टेम्प्रोरी टाइप से, जैसे क्या होता है काम होता है तो काफ़ी वर्कर वहाँ रहते हैं डे एंड नाइट, तो एक टेम्प्रोरी रूम बनाया जाता है जहाँ पर वो लोग रात को भी रहते हैं, कभी नाइट में भी वर्क होता है ना। ये बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में तो प्रॉपर ऑफिस बनाया जाता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये छोटा सा ऑफिस है जहाँ पर सारा अरेंजमेंट किया गया है वर्कर्स के लिए, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो लेक्चर से आपको थोड़ा साइट्स के बारे में समझ में आया होगा है ना, बुक में हम लोग पढ़ते हैं लेकिन बुक से काफ़ी अलग होता है प्रैक्टिकल। ठीक है, जो कि वो धीरे धीरे वहाँ वर्क करने से ही समझ में आता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से फिर हम लोग कुछ नया चीज़ लेकर आएंगे जिससे आपको साइट के बारे में आपका जो नॉलेज है वो बढ़ता चला जाए। थैंक यू।